अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ एक मीठी रेसिपी यानी कि ज़रदा। ज़रदा शादियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाली रेसिपी है। इसको कलरफुल बनाया जाता है लेकिन आजकल तो वाइट भी ज़रदा चलने लगा है शादियों में, तो आज हम शादी वाला ज़रदा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 400 ग्राम के करीब गोल्डन राइस लिया है। इसे 2-3 घंटे के लिए हमने भिगो दिया था और अब ये पकने के लिए तैयार है और ये 400 ग्राम है। इसके अलावा हमने 300 ग्राम शुगर ली है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं यानी कि कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। हमारे यहाँ मीठा थोड़ा कम खाया जाता है तो इसलिए मैंने 300 ग्राम ली है। इसके अलावा 2-3 इंच का हमने नारियल का पीस लिया है, इसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून किशमिश और 1 टेबल स्पून हमने पिस्ता लिया है, पिस्ते को हमने 2 पीसेज में कट कर लिया है। 100 ग्राम के करीब हमने मावा लिया है और 1 सर्विंग स्पून के बराबर देसी प्योर घी लिया है। आप इसकी जगह डालडा घी भी ले सकते हैं और ज़रदा वेजिटेबल ऑयल में भी पकाया जा सकता है। इसके अलावा हमने 1 टेबल स्पून लिया है ककरौंदे और टूटी फ्रूटी और क्या नाम है लच्छा, ये तीनों चीज़ें हमारे 3 टेबल स्पून हैं। और 10 से 12 हमने बादाम लिए हैं, इसको 2 पीसेज में कट कर लिया है। और 10 से 12 ही हमने काजू लिए हैं, इसको भी हमने 2 पीसेज में कट कर लिया है। 5 से 6 हमने लौंगे लिए हैं और 3 छोटी इलायची लिए हैं, छोटी इलायची को हमने क्रश कर लिया है। और 1/4 टीस्पून हमने रेड ऑरेंज फूड कलर लिया है, ये जब चावल हम बॉईल करेंगे उसके अंदर ऐड करेंगे। तो आइए पकाना शुरू करते हैं। तकरीबन 2 लीटर पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम सबसे पहले ऑरेंज कलर ऐड करेंगे, 2 लौंगे ऐड कर देंगे और इसमें एक डाल देंगे हम क्रश की हुई छोटी इलायची ताकि चावल के अंदर इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाए। और अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे और चावल को 100% तक बॉईल कर लेंगे। चावल हमारे 100% तक कुक हो जाने चाहिए, इतना बॉईल करना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें चावल को बॉईल करने में। अब इसको हम कवर कर देंगे। चावल को उबलते हुए तकरीबन हमारे 12 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे बिल्कुल वैसे हो गए हैं जैसे कि हमें चाहिए। ये 100% तक एकदम कुक हो गए हैं। ये देखिए चावल आराम से टूट रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसका पानी निथार लेंगे। चावल से हमने पानी बिल्कुल निकाल दिया है तो अब इसके ऊपर हम चीनी ऐड करेंगे। कपड़े से पकड़कर और कपड़े से पकड़कर हम इस तरीके से हिला देंगे। चीनी हमारी नीचे चली गई है, चावल हमारे ऊपर हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसे हाई फ्लेम पे तब तक पका लेंगे जब तक कि चीनी हमारे पानी नहीं छोड़ देती। अभी 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे, फिर उसके बाद में आपको खोल कर दिखाएंगे। ज़रदे को हाई फ्लेम पे रखे हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब इसको हम कपड़े से इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर इस तरीके से हिला देंगे ताकि चावल हमारे ऊपर से नीचे हो जाए। और इसे फिर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए ही। चावल को हाई फ्लेम पे रखे हुए तकरीबन 2 मिनट ही और हो चुके हैं। अब इसे हम फिर से इस तरीके से कपड़े से पकड़ेंगे और इस तरीके से हिला देंगे। इस तरीके से हिलाने से चावल हमारे टूटेंगे नहीं और इसको पकाना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। और अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे आधा मावा। गैस का फ्लेम हमने हाई किया हुआ है। ककरौंदे, टूटी फ्रूटी और लच्छा हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम नारियल, थोड़ा सा नारियल मैंने बचाया है गार्निश के लिए। काजू ऐड कर देंगे, जो जो मेवा हमने लिए हैं उसमें से आधी आधी हम यहाँ ऐड कर देंगे और आधी बचा देंगे। हाई फ्लेम है इस वक्त भी। अब इसे हम फिर से पकड़ेंगे कपड़े से ही और ये इस तरीके से हिला देंगे ताकि मेवा हमारे सारे चावल में अच्छी तरीके से मिल जाए। अब इसकी बघार की तैयारी कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है इस वक्त क्योंकि इसको हमें दम पर रखना है। हम इसके बघार की तैयारी करेंगे तो पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें डालेंगे हम घी। इस तरीके से ज़रदा बनाना बहुत ही इजी हो जाता है और चावल भी हमारे टूटते नहीं हैं।
घी जैसे ही हमारा गरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम लौंग और क्रश की हुई छोटी इलायची। इसको हल्का सा तड़क जाने देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम डाल देंगे चावल के ऊपर। और इसे अब हम कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम दम पर रख देंगे ताकि जो चीनी का पानी थोड़ा बहुत भी बाकी हो तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ज़र्दा हमारा एकदम तैयार मिलेगा हमें। तो 5 मिनट के लिए हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रख दिया है कवर करके। ज़र्दे को दम पर रखे हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और ज़र्दा हमारा एकदम से तैयार है। आप ये इस तरीके से बीच में डाल कर देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर पानी नहीं है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ज़र्दा हमारा एकदम से तैयार हो गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कर लेंगे हम डिश आउट। हमारा ज़र्दा बन करके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है और आपने देखा है कि इसको बनाना हमने किस तरीके से बनाया है। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बनाकर दिखाया है। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा इस तरीके से आपका ज़र्दा। तो आप भी अपने घर में बनाइएगा, सभी को खिलाइए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसे भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।